भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव के बीच अब अमेरिका आगे आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन दोनों को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया और कहा कि हम पंचायत करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट कर यह ऐलान किया और कहा कि हमने भारत और चीन को बताया है कि अमेरिका दोनों के बीच उबलते सीमा विवाद में मध्यस्थता करने या फैसला लेने के लिए तैयार है। हम इच्छुक हैं और योग्य भी हैं। दरअसल लद्दाख में साल भर पहले एक सड़क बनकर पूरी तैयार हुई। ये काम बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में संपन्न हुआ, जिसके बाद से चीन गुस्सा है। बता दें कि भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया। ताज़ा तनाव तब शुरू हुआ जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में है। दोनों देशों के पास बातचीत और विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करने के लिए उचित तंत्र और संचार माध्यम भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के सालाना अधिवेशन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को आदेश दिया था कि वो सबसे खराब स्थिति की कल्पना करें, उसके बारे में सोचें और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाएं। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटे। इस दौरान चीन ने भारत को लेकर कोई संकेत नहीं दिए थे। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव का जिक्र किया। इसी बात से लग रहा था कि चीन और भारत के बीच युद्ध के हालात हो गए। इसी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों को प्रस्ताव दिया है कि हम आप लोगों का विवाद सुलझा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का सुझाव सामान्य तौर से अच्छा है, लेकिन अगर इसे कूटनीतिक तौर से देखें तो ये ट्वीट या बयान हास्यास्पद है, क्योंकि दोनों देश अमेरिका की सरपरस्ती में अपने विवाद सुलझाने या दोनों देशों के गुरूर के खिलाफ है। दोनों देश चीन और भारत कभी भी जीते जी किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।